लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रखा है। बावजूद इसके सोमवार से शनिवार तक भी व्यापारियों को लेफ्ट और राइट साइड की दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद व्यापारियों के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो रही है। प्रशासन के लेफ्ट राइट दुकान खोलने के निर्णय को लेकर अब व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि 2 नंबर क्षेत्र के विधायक रमेश मेंदोला से व्यापारी मिले, उन्होंने अपनी मांग रखी और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। यह नजारा इंदौर के सुखलिया क्षेत्र का है, जहां आज सुखलिया मेन रोड व्यापारी संघ के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासन ने दुकान खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन एक एक दिन लेफ्ट राइट दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जिससे व्यापारियों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। इन व्यापारियों में ऐसे भी व्यापारी हैं जो किराए की दुकान लेकर अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, जिनके महीने में सिर्फ 13 दिन दुकानें खुल रही हैं। ऐसे में दुकान का किराया भी निकालना मुश्किल हो रहा है। इन्होंने विधायक रमेश मेंदोला के समक्ष ज्ञापन देकर मांग की है कि त्योहारों का समय है, इसे देखते हुए पूर्ण रूप से खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। सप्ताह में 5 दिन खोले और इवन कैंसिल किया जाए और 2 दिन टोटल लॉकडाउन किया जाए, इसी उसमें ज्ञापन दिया है महोदय मेंदोला जी को। अभी किस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही व्यापारियों को लेफ्ट राइट के कारण? व्यापारी कारण परेशानी उठाने पड़ रही कि एक दिन एक मार्केट चालू रहता है जी। दूसरे दिन आधे दुकानदारों किराए की दुकानें हैं, उनका किराया नहीं निकल पा रहा है, यानी कई स्थिति ये होगी दुकान खाली करने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए मेंदोला जी ने क्या कहा आपसे? मेंदोला जी ने आश्वासन दिया माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा करके, वो हम सबको बुलाएंगे वहाँ पे मीटिंग में, कमेटी में प्रस्ताव रखा जाएगा। व्यापारी संघ यहाँ के व्यापारियों ने एक ज्ञापन दिया, अभी ज्ञापन पर जो इन्होंने मांग रखी राइट लेफ्ट वाली जो मांग थी, तब जो कमेटी है कमेटी में अभी इस पर हम चर्चा करेंगे और जो भी उचित होगा अच्छा होगा, और इनको भी सभी व्यापारियों को भी बुला के इनसे भी चर्चा करेंगे, वहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं सभी के साथ बैठ कर चर्चा करेंगे और अच्छे से अच्छा जो भी निर्णय होगा वो अच्छा। नहीं, ऐसा कोई असंतोष नहीं, और शेखावत जी हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कुछ बोला है तो उस पर जरूर विचार करें, पार्टी जरूर विचार करेगी। इंदौर से विजय बंगाली की रिपोर्ट।